दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर हमने एक और चैनल शुरू किया है, वाव मूवीज़। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प मिल जाएगी। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कार रेस से। यहाँ एक खूबसूरत लड़की है, अचानक से हवाओं में उसके कपड़े लहराते हैं, बाकी सभी मर्द उसे घूर घूर कर देखते हैं। इतने में यहाँ पर नज़र जाती है एक ड्राइवर की। ये कोई छोटा मोटा ड्राइवर नहीं है, इसका नाम है स्ट्रोकर। स्ट्रोकर इस रेस का चैम्पियन है, उसने एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार इस चैम्पियनशिप को जीता है। यहाँ कहा जाता है कि अगर स्ट्रोकर की कार क्रैश ना हो तो वो हारे ही ना, और ये सही भी है, वो हर किसी को यहाँ हरा देता है। ये रेस दरअसल जॉर्जिया में अनाउंस होती है, सीजनल। स्ट्रोकर के जैसे ही उसका एक और राइवल है। स्ट्रोकर का राइवल 10 नंबर की कार चलाता है, जबकि स्ट्रोकर 7 नंबर की फोर्ड। पिछले काफ़ी समय से स्ट्रोकर जेनिन ऑयल के लिए काम करता है, यानी वो इस कंपनी के स्पॉन्सरशिप के अंडर काम करता है। जेनिल ऑयल कंपनी की मार्केटिंग हो जाती है और स्ट्रोकर को अपने लिए काफ़ी सारे पैसे। पर स्ट्रोकर बड़ा बदतमीज़ किस्म का इंसान है, उसके अंदर घमंड तो फूट फूट कर भरा है। आज वो रेस के लिए निकला है, पर जब उसकी नज़र इस खूबसूरत लड़की की टांगों पर गई है तब उसके होश उड़ गए। ड्राइव करता हुआ उस लड़की की टांगों को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा, और इस तरह उसकी कार रास्ते में ही ख़राब हो जाती है और वो ये रेस हार जाता है। बाद में उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू स्ट्रोकर का मजाक उड़ाता है, कहता है कि ये कार तो तुम्हारी माँ भी चला सकती थी, भला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब स्ट्रोकर कैसे कहे कि उसके साथ हुआ गया है। पर स्ट्रोकर ने इस हार का गुस्सा जेनिन ऑयल कंपनी के ओनर से निकाला है। उसने इस कार में कंक्रीट भरवा दिए और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटते ही उस पर झपट्टा मारा है क्लाइड ने। क्लाइड की अपनी खुद की फ्रेंचाइजी है, वो रेस्टोरेंट और होटल चलाता है। चिकन का उसका बहुत बड़ा धंधा है, और अपने इस फ्रेंचाइजी के लिए वो स्ट्रोकर को हायर करना चाहता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करता है। पहले तो स्ट्रोकर इसके लिए राज़ी नहीं होता, स्ट्रोकर का साथी भी इसके लिए मना करता है। पर जब स्ट्रोकर को ये पता चला है कि क्लाइड की पब्लिक रिलेशन मैनेजर है पेम्ब्रुक, तब उसके मुँह में पानी आ गया है और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। स्ट्रोकर को क्लाइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो क्या करे, उसे कार रेस की ड्राइविंग भी करनी है और साथ में पेम्ब्रुक से नज़दीकी भी बढ़ानी है, इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को शामिल करता है। स्ट्रोकर इतनी जल्दबाजी में है कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा भी नहीं। बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब भी इस फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी, स्ट्रोकर को आना होगा, उसे चिकन कॉस्ट्यूम पहनने होंगे और इस प्रोडक्ट को बड़े लार्ज स्केल पर सेल करना होगा। स्ट्रोकर इन सब को बर्दाश्त कर रहा है, वो तो ये चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए। पर तभी आज शाम को पेम्ब्रुक उसके होटल कमरे में आती है। उसे देखकर स्ट्रोकर पानी पानी हो जाता है। पेम्ब्रुक यहाँ बताती है कि वो संडे को स्कूल में टीचिंग का काम करती है, यानी खाली संडे को वो पढ़ाती है और बाकी सप्ताह के 6 दिन वो क्लाइंट के लिए काम करती है। वो पब्लिक रिलेशन मैनेजर के साथ साथ एडवर्टाइजिंग का काम भी देखती है, नए नए तरह के बैनर बनाना और इस फ्रेंचाइजी को ग्रो करना, ये उसका काम है। बातों बातों में पेम्ब्रुक बताती है कि वो वर्जिन है। ये सुनकर स्ट्रोकर के मुंह में लड्डू फूटा है। इसके बाद पेम्ब्रुक बताती है कि वो अभी तक सिंगल है, यानी स्ट्रोकर के मन में दूसरा लड्डू फूटा। पेम्ब्रुक ने अगले दिन रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए स्ट्रोकर को बुलाया है। अगले दिन स्ट्रोकर अपने साथी के साथ और पेम्ब्रुक के साथ लोकेशन पर जा रहा है। रास्ते में वो पेम्ब्रुक के साथ फ्लर्ट मारने की कोशिश करता है, पेम्ब्रुक भी उसके इन एडवांसेस को एक्सेप्ट करती है। अगली रेस में स्ट्रोकर इस कंपनी के लिए रेस जीत जाता है और अब ये फ्रेंचाइजी और भी आगे निकल रही है। शाम को होटल में पेम्ब्रुक स्ट्रोकर से मिलने आती है। रात होने तक दोनों यहाँ बात करते हैं। इसके बाद दोनों में चुंबन क्रिया होता है। रात भर दोनों यहाँ घपाघप करते हैं और इस तरह पेम्ब्रुक ने अपनी वर्जिनिटी को गेन किया है, या ये कह दीजिए कि लूज़ किया है। पर स्ट्रोकर की समस्या यह है कि वो इस डील से बाहर निकलना चाहता है। इस डील में उसे बेवकूफ़ बनाया गया है, वो एक रेसर है ना कि कोई सेल्समैन। वो अपने साथी से कहता है कि उसे इस रेस से बाहर निकलना होगा। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, पर क्या इनकी प्लानिंग कामयाब हो पाएगी। इन सब में इस सीज़न का फाइनल रेस का समय आ गया है। रेस के ठीक पहले क्लाइड को एक बिजनेसमैन से ऑफ़र मिलता है। ऑफ़र ये है कि अगर स्ट्रोकर ये रेस जीत गया तब स्ट्रोकर को 2 साल तक चिकन सेल करना होगा, और अगर वो हार जाता है तो उसे इस डील से बाहर करना होगा। पर ट्विस्ट ये है कि क्लाइड को अपना फ्रेंचाइजी बेचने के लिए उसे दुगने से भी ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। क्लाइड पैसों का लालची है। रेस के ठीक पहले वो अनाउंस करता है कि वो स्ट्रोकर को इस एग्रीमेंट से बाहर निकाल रहा है। वो जानता है कि स्ट्रोकर हारने वाला है,
पर क्लाइड को अपना बिजनेस बेचना है, इसलिए उसने अनाउंसमेंट कर दी। इधर स्टोकर भी यही सोच के आया कि वो रेस हार जाएगा और स्टील से बाहर निकल जाएगा, पर रेस करते हुए उसके अंदर की ईगो उछाल मारती है। वो फैसला करता है कि नहीं नहीं वो इस रेस को ज़रूर जीतेगा। स्टोकर का साथी बताता है कि क्लाइड ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि उसने स्टोकर को इस डील से बाहर निकाल दिया है। ये जानकर स्टोकर बड़ा खुश होता है, वो अंत में इस रेस को जीत लेता है। पर एक और ट्विस्ट हुआ है, दरअसल क्लाइड को जो ऑफर मिला था वो फेक था, उसे तो बेवकूफ़ बनाया गया है ताकि वो स्टोकर को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दे। इस तरह क्लाइड के चंगुल से स्टोकर भी छूट गया और साथ में स्टोकर को अंत में पेम्ब्रुक भी मिल गई और ये फिल्म समाप्त हो गई।